हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है भूत चाचा। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर गाँव में शंभू चाचा नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। पूरे गांव वाले उन्हें बहुत ही प्यार किया करते थे। शंभू चाचा की कोई भी औलाद नहीं थी, वे अकेले थे। उम्र के 80 साल वे पार कर चुके थे, लेकिन हमेशा गांव वालों की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वे गांव में जगह जगह घूम के गांव की जो भी व्यवस्था है उसके सुधार के लिए हर जगह भटकते थे। ग्राम पंचायत और शहर जाकर जो भी सरकारी सुविधाएं होती थीं गांव वालों को पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया करते थे। वे एक दिन बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें आज याद आ रहा था, काश मेरा भी परिवार होता, मुझे भी इस उम्र में कुछ सहारा मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, यह गांव भी तो मेरा परिवार है, इसी को देखकर तसल्ली कर लिया करता हूँ। और उन्हें दिन रात भाग दौड़ करते करते कुछ रोगों ने घेर लिया और एक दिन वे इस संसार को पलायन कर गए। उनकी मौत से पूरा गांव बहुत दुखी हुआ। चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका क्रियाकर्म किया और बहुत ही दुखी हुए। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके शंभू चाचा को लोग भूलते चले गए। और एक दिन ऐसा आया कि शंभू चाचा का कोई नाम भी नहीं लेता था। एक दिन की बात है, माधव किसान अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाने की सोच रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी को 9वां महीना लग चुका था और डिलीवरी के लिए वह शहर जाने की सोच रहा था। आधी रात के वक्त माधव किसान की पत्नी को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। माधव किसान सड़क पर आकर कुछ साधन ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी साधन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने भगवान को याद किया, हे प्रभु, इस समय रात्रि का पहर है, मुझे कोई ऐसा साधन दिला दे ताकि मैं अपनी पत्नी को अस्पताल तक पहुंचा सकूं। लेकिन कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी आ रही है और यह दौड़कर उस घोड़ा गाड़ी के पास गया और उससे कहा, भैया, मुझे शहर के अस्पताल तक पहुंचा दो, मेरी पत्नी की तबीयत इस समय बहुत ख़राब है। इसने उसका चेहरा नहीं देखा था जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था। उन्होंने इशारा किया, बैठ जाओ गाड़ी में, और यह किसी तरह अपनी पत्नी को लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और घोड़ा गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए और उनकी पत्नी की डिलीवरी हो गई, बच्चा भी स्वस्थ था। सुबह के समय जब इसने देखा कि वह घोड़ा गाड़ी वाला कौन था, लेकिन पता करने पर भी पता नहीं हुआ कि इस गांव में कोई ऐसी घोड़ा गाड़ी भी है। तभी उन्हें याद आया कि उसने उनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन लोगों ने बताया कि अक्सर रात के समय एक घोड़ा गाड़ी गांव में घूमती हुई देखी जाती है और लोग कहते हैं वह कोई और नहीं, शंभू चाचा। शंभू चाचा का भूत है जो मरने के बाद भी आज लोगों की मदद करता है। हम लोग तो उन्हें भूल गए, लेकिन वे हमें नहीं भूले। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। गुड नाइट।